अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्त, जैसे आप सब जानते हैं कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। उसके लिए आपको स्केड्यूल पहले ही बता दिया गया है कि किस तरीके से वो पेपर स्केड्यूल होंगे। अब पेपर की आस्किंग किस तरीके से होगी और उसका फॉर्मेट क्या होगा, पेपर की कैटेगरीज क्या है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक फ्लो चार्ट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया है। उस फ्लो चार्ट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ गौर से समझिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए दोस्त, आपकी स्क्रीन पर फ्लो चार्ट आ रहा होगा। अगर आप इस फ्लो चार्ट को जूम करें तो देखिएगा, पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सबसे पहली बात, कोई वाइवा नहीं है, कोई असाइनमेंट बेस्ड नहीं है, पेपर बेस्ड यानी आपसे पेपर लिया जाएगा। वो पेपर की आस्किंग उसके ऑफिशियल टेम्पलेट पे होगी। पेपर अपलोड किया जाएगा गूगल ड्राइव के अंदर, आपकी जेडयू की गूगल क्लासरूम जो है उसके अंदर वो अपलोड किया जाएगा, गूगल क्लासरूम के अंदर। तो गूगल क्लासरूम को एक्सेस करने के लिए आपके पास जेडयू की ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर वो हुए तभी आप एक्सेस कर सकते हैं। किसी के पास अगर ना हो तो प्लीज़ कोशिश करें एग्जाम से पहले ही सेट करवा लें। पेपर की हैं दो कैटेगरीज, कैटेगरी नंबर वन एंड कैटेगरी नंबर टू। कैटेगरी नंबर वन है थियरी बेस्ड एग्जाम। थियरी बेस्ड एग्जाम के पेपर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिए जाएंगे, यानी वो सॉल्व भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही करना है। आपने गूगल बेस आपकी जो पेपर है वो पेपर हम आपका अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम के अंदर एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, जिस टाइम पे आपका स्केड्यूल एग्ज़ाम उससे कुछ टाइम पहले हम अपलोड कर देंगे। फिर आप गूगल क्लासरूम पे जाके वो पेपर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस पेपर को वर्ड पे ही सॉल्व करेंगे, टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप उसको अपलोड कर देंगे अगेन गूगल क्लासरूम के अंदर, ठीक है। अगेन गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने के बाद आप ईच एंड एवरी स्टूडेंट की आंसर स्क्रिप्ट को टर्निटन सिमिलैरिटी इंडेक्स के लिए चेक किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट आपने किसी से गूगल से पूछा और डायरेक्ट एज इट इज आंसर कॉपी पेस्ट कर दिए। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल आई कि आपके जो आंसर है उसकी सिमिलैरिटी इंडेक्स 30% से ज़्यादा हुई तो फिर ये केस चला जाएगा किसके पास, चीटिंग प्रिवेंशन कमेटी के पास। वो देखेंगे कि ये गिल्टी है, अगर गिल्टी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और अगर नॉन गिल्टी है तो फिर ठीक है, आपकी पेपर आपकी आंसर स्क्रिप्ट चेक हो जाएगी। ये तो है ग्रेटर देन 30 वाले केस के अंदर, बट लेस देन 30 वाले केस के अंदर डायरेक्ट वो आंसर स्क्रिप्ट असिस्ट हो जाएगी और फिर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी के अंदर आएगा, कैटेगरी नंबर टू इज न्यूमेरिकल प्लस थियरी। अब ये पेपर भी अपलोड होगा गूगल क्लासरूम के अंदर। वो अपलोड करने के बाद स्टूडेंट वहीं से पेपर डाउनलोड करेगा, उस डाउनलोड को एड्रेस करेगा, एक पेपर पे उसको सॉल्व करेगा, जैसे कि बी डब्ल्यू ई का पेपर है या कोई सीबीटी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन का पेपर है, तो उसके अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाज़ा सर्किट डायग्राम बनानी पड़ेंगी, तो ये आपको हैंड रिटन ही करना पड़ेगा। वो पेपर पे लिखने के बाद आप उसकी स्नैप लेंगे, स्नैप को वर्ड के अंदर लिखेंगे ऑर्डर वाइज और फिर उसकी पीडीएफ डेवलप कर लेंगे एक तरीका, या तो फिर आप उसका जेपैक इमेज लेके भी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक होगी। आपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया, फिर इसकी क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगी कि किस तरीके से बच्चे ने काम किया है। अगर पता चला कि यार ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि चीटिंग का केस है, तो फिर वो केस पुट हो जाएगा अगेन किसके पास, चीटिंग प्रिवेंशन कमेटी के पास। चीटिंग प्रिवेंशन कमेटी अगर देखती है कि अगर ये गलती है तो फिर उसका खिलाफ एक्शन लेगी, और अगर नॉन गिल्टी है तो फिर उसका आंसर उसकी आंसर स्क्रिप्ट को चेक करके उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इस चीटिंग प्रिवेंशन कमेटी में एग्जामिनेशन के भी लोग होंगे, टीचर भी होगा, और इसको सुपरवाइज इसको देख रहे होंगे चेयरपर्सन साहब भी, इन इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे ताकि इस चीटिंग को अवॉइड किया जाए मैक्सिमम तौर पर, और फिर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप लोग सारे जो आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं वो कोर्स टीचर से पूछ लेंगे वो किस कैटेगरी के अंदर पेपर आपको देगा, कैटेगरी वन या कैटेगरी नंबर टू, ठीक है। और अगर इस चार्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।